नमस्ते, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं, ये योगाभ्यास है लिजार्ड पोज। जी हाँ, आज हम लिजार्ड पोज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कम से कम 6-7 तरह की जो पोजेस हैं वो लिजार्ड अपनी लाइफ स्टाइल में यूज करते हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं को थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं। और अगर ये पोजिशन आप रेगुलर अपने योगाभ्यास में शामिल करते हैं तो ये आपको स्ट्रेस से दूर रहेगा, आपको फ्लेक्सिबल बनाएगा, साथ ही साथ आपकी अवेयरनेस बढ़ाएगा और आपके फोकस को बढ़ाता है। तो चलिए आज हम करने वाले हैं लिजार्ड पोजेस। शुरू करते हैं हम झपटने वाले लिजार्ड से। तो इस तरह से हम पोजीशन बनाएंगे, अपने एक पैर को आगे की ओर रखेंगे, दूसरे पैर को इस तरह से रखेंगे, आपका जो पैर का जो पंजा है वो ऊपर की ओर खुलेगा, और इस तरह से हमारा जो दूसरा पैर है पूरा 90 डिग्री तक इस तरह से हम उसको पूरा रखेंगे, दोनों हाथ इस तरह से, और हम इस तरह से सीधे बिल्कुल देखेंगे। कम से कम 5 से 6 ब्रीदिंग तक हम होल्ड करेंगे। पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएं। और अब हम करेंगे ट्विस्टेड लिजार्ड। ट्विस्टेड लिजार्ड के लिए हम एक पैर को इस तरह से रखेंगे, दूसरे पैर को ये पोजीशन देंगे और हम इसको इस तरह से हम एक पोजीशन देंगे और हम उल्टा नमस्ते बनाएंगे। ये हमारा ट्विस्टेड लिजार्ड। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। हमारी गर्दन हम इस तरह से सामने भी रख सकते हैं और ऊपर की तरफ भी हम देख सकते हैं। अब हम पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब हम रेगुलर लिजार्ड पोज करेंगे। उसके लिए एक पैर आगे की ओर, हमारे दोनों हाथ इस तरह से हम रखेंगे, पैर को पूरी तरह से ऐसे ले जाएंगे, पीछे पंजा पूरा खुला होना चाहिए और हम इस तरह से पोजीशन देंगे। ये है रेगुलर लिजार्ड पोजीशन। पुनः अपनी स्थिति में वापस आएंगे। अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग लिजार्ड पोजीशन। मतलब जब लिजार्ड स्ट्रेचिंग कर रहा होता है, यानी कि जब वो अंगड़ाई ले रहा होता है, तो उस तरह की हम पोजीशन करेंगे। तो इस तरह से हम एक पैर हमारा आगे की ओर रहेगा, ये दूसरा पैर पीछे की ओर ऐसे, और हम ऐसे इस तरह से हम स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से हमने किया स्ट्रेचिंग लिजार्ड पोजीशन। अब हम करेंगे बाउंड लिजार्ड पोजीशन। बाउंड लिजार्ड पोजीशन में हम एक पैर को आगे की ओर, हाथ को कुछ इस तरह से रखते हुए, दूसरे पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से पोजीशन देंगे। इस तरह से कुछ देर तक हमें होल्ड करना है। ये रहा हमारा बाउंड लिजार्ड पोजीशन। अब हम करेंगे शाई लिजार्ड पोजीशन। उसके लिए अपने पैर को ऐसे और इस तरह से, दूसरे पैर को इस तरह से करते हुए हम पोजीशन देंगे। इसमें आपका पैर दोनों हाथों के बीच में रहेगा।
इस तरह से हमने शाई लिजार्ड पोजीशन करी। अब हम करेंगे क्राउलिंग लिजार्ड पोजीशन। उसके लिए इस तरह से पोजीशन बनाएंगे, एक पैर को आगे की ओर, दूसरे पैर को पीछे की ओर और एक हाथ को ऐसे, दूसरे हाथ को इस तरह से रखेंगे और हम बिल्कुल एक चलने की पोजीशन में रहेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ठीक उसी तरह से हम दूसरे पैर की भी पोजीशन करेंगे। इस तरह से करते हुए पीछे के पैर को पूरा खोलते हुए एक हाथ आगे की ओर, दूसरा हाथ पीछे की ओर, पुनः हम अपनी स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे जिग जैग लिजार्ड पोजीशन। उसके लिए दोनों हाथों को इस तरह से करेंगे, पैर इस तरह से, दूसरा पैर इस तरह से रहेगा हमारा। कुछ देर तक हम होल्ड रखेंगे, कम से कम 5 सांसें लेंगे, 5 सांस छोड़ेंगे। धीरे से अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। तो आज हमने ये लिजार्ड की सभी पोजीशन करी। अब एक और बाकी रह गया है, लिजार्ड का सांस लेना। उसके लिए हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। हम नाक से सांस भरेंगे और मुंह से टंग को निकालते हुए अपनी सांस को छोड़ेंगे। तो इस तरह से आज हमने काफी तरह से आज हमने कई तरह से लिजार्ड की पोजीशन बनाई, पोजेस करे, और ये अगर हम अपने योगा अभ्यास में शामिल कर लें तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगा अभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।